हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। सो होप आपको जो मेरा कल वाला ट्यूटोरियल हो आपको समझ आया हो। तो कल जो हमने जैसे डायरिया पे हमने जो है ट्यूटोरियल बनाया था, उसमें हमने बात करी थी कि डायरिया किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज मैं जो ट्यूटोरियल बनाने जाऊँगा वो प्रोबायोटिक्स पे बनाऊँगा। प्रोबायोटिक्स पे इसलिए मैं बनाना चाह रहा था कि कल हमने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड ही एक डिजीज़ की बात करी थी। तो प्रोबायोटिक्स भी जो है, अगर जो मैं डायरिया की बात करूं या अपनी कैटेगरी की बात करूं, हमारे जो कैटेगरी के ड्रग्स हैं उसकी बात करूं, तो प्रोबायोटिक्स का भी वहीं पे रोल आता है कि ये जो हमारा एंटी डायरियल प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स एक जो है इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारे जितने भी हमारी फॉर्मुलेशन है उसमें से, इसलिए आज मैं प्रोबायोटिक्स की बात करूंगा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे प्रोबायोटिक्स काम करते हैं, प्रोबायोटिक्स का और कहाँ कहाँ पे कैसे वो जो है बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, उनके ऊपर ये अपना रोल प्ले करते हैं ताकि उनको किल करके जो माइक्रोबायोटा है उसको मेंटेन किया जाए। तो ये आज हम थोड़ा सा डिटेल में टच करेंगे इसको। तो थोड़ा सा अगर जो मैं बताऊं कि प्रोबायोटिक्स की जनरली हम बात करते हैं कि ये हमारे इंटेस्टाइन में या जीआई ट्रैक की हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोबायोटिक्स अगर जो मैं बात करूं तो हमारे मोस्टली बॉडी के हर एक पार्ट में अवेलेबल होता है, चाहे वो ब्रेन है, नोज है, थ्रॉट है, टंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या मेल है, उसके बाद लीवर है, जीआई ट्रैक में तो पूरा ही पूरे ही ट्रैक में ये अवेलेबल होते हैं। तो कुल मिला के जो बॉडी के मेजर जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रोबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं। अलग अलग स्पीशीज सबकी रहती हैं, हर एक जगह पे अलग अलग स्पीशीज और अलग अलग कॉलोनीज में वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे अपना वो एनवायरनमेंट मेंटेन करने में उनका बहुत अच्छा रोल रहता है। तो चलो आज थोड़ा सा इसको टच करते हैं, प्रोबायोटिक्स को। अगर जब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं कि प्रोबायोटिक्स कब से जो है इजाद हुआ इसका, सो एट द स्टेट ऑफ 20th सेंचुरी रशियन नोबेल प्राइज विनर, फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी एली मेटनिकॉफ जो है साइंटिस्ट है, अ साइंटिस्ट एट द पोस्टर इंस्टीट्यूट, वॉज द फर्स्ट टू कंसेप्चुलाइज प्रोबायोटिक्स। तो एली मेटनिकॉफ जो है साइंटिस्ट है जिसने 20वीं सदी में इसका कंसेप्ट को बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है 20वीं सदी में एली मेटनिकॉफ ने दिया था। लेकिन प्रोबायोटिक्स जो वर्ड है वो जो वर्ड है या टर्मिनोलॉजी है वो 1965 में आई थी, कि जब एक आर्टिकल लॉन्च हुआ था 1965 में, उसमें वर्ड प्रोबायोटिक्स यूज किया गया था कि ये कुछ माइक्रो एंजाइम्स हैं जो होस्ट के लिए यूजफुल होते हैं। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी प्रोबायोटिक्स की। उसके बाद अगर जो बात करें कि प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं, सो दीज आर द लाइव माइक्रो एंजाइम विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट कन्फर अ हेल्दी बेनिफिट ऑन द होस्ट। तो जैसे मैंने एंटोफिट जब पढ़ाया था तभी बताया था कि होस्ट क्या है, होस्ट कौन है जो उसको कंज्यूम कर रहा है। जैसे मैं एंट्रोफिट ले रहा हूँ, मैं प्रोबायोटिक खा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, होस्ट हो गया। तो ये वो माइक्रो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जो उसको कंज्यूम करेगा उसके लिए ये बेनिफिट होते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे बॉडी के लिए हेल्दी हैं, तो उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। एक टर्मोलॉजी यूज होती है प्रीबायोटिक्स, जनरली हम वर्ड यूज करते हैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स क्या है वो देखते हैं। प्रीबायोटिक्स आर डिफाइंड एज अ नॉन लिविंग नॉन डाइजेस्टिबल स्पेशल फॉर्म ऑफ फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या, एक तो ये नॉन लिविंग है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है या ये कोई आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्रीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये क्या है, नॉन लिविंग है और नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो जैसे गार्लिक में बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है। गार्लिक मतलब लहसुन की मैं बात कर रहा हूँ, गार्लिक हो गया, बीट रूट हो गया, और भी कुछ फूड्स हैं जिसमें ये प्रीबायोटिक्स काफ़ी अच्छी कंसेंट्रेशन में होता है। उसके बाद इनका काम क्या है, अगर जो मैं पाउडर फॉर्म की बात करूँ, दैट मीन्स कि जो हम फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं प्रीबायोटिक्स की, वो एक तो हीट स्टेबल होती है, उनका हीट से कोई इम्पैक्ट, हीट से वो
डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, कोल्ड का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, और एसिड का हमारे जो स्टमक में एसिड है उसका भी कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं आता, तो दे आर सर्वाइव इन ऑल द थ्री कंडीशंस। तो एक तो इनका इन चीज़ों का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तीसरा इसका काम क्या है, प्रीबायोटिक्स परफॉर्म देयर रोल बाय नरिशिंग द बैक्टीरिया दैट लिव इन द इंटेस्टाइन। अब क्या है, ये नरिश करते हैं, दैट मीन्स ये फूड प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, तो ये क्या क्या दे रहे हैं, जो लाइव बैक्टीरिया हैं, जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो बैसिलस क्लॉजी है या लैक्टो बैसिलस स्पोरोजिन्स हैं, इन बैक्टीरिया को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये फूड ये अपने आप को उनको दे देते हैं ताकि वो खाएं और अपनी कॉलोनीज को ग्रो करें। तो ये क्या हुआ, प्रीबायोटिक्स क्या हुए, प्रोबायोटिक्स का फूड हो गए, ये उनको फीड करेंगे और वो अपनी कॉलोनीज ग्रो करेंगे ताकि जो माइक्रोबायोटा है वो मेंटेन हो सके। तो प्रीबायोटिक्स ये होते हैं, तभी कुछ प्रोडक्ट्स में होता है कि ये प्रीबायोटिक्स भी है और प्रोबायोटिक्स भी है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे, कि प्रोबायोटिक्स तो दिया ही है और उसके साथ साथ प्रीबायोटिक्स उनका खाना भी उनको साथ में दिया है, तो वो जल्दी और जो है ज़्यादा ग्रो करेंगे। और उन प्रोडक्ट्स को बोला जाता है सिम्बायोटिक्स, जिस प्रोडक्ट्स में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों होते हैं उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक्स। उसके बाद बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये नॉट ओनली इंटेस्टाइन में, ये हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट एवरी मेजर ऑर्गन्स में जो है प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो जैसे इम्यूनिटी बूस्ट एंड डिक्रीज इन इन्फ्लामेशन, तो इम्यूनिटी बूस्ट का मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन में जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो है प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, विटामिन के प्रोडक्शन, विटामिन के की जो है ये इनका जो है सिंथेसिस में रोल रहता है। तो जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, याकुल्ट मार्केट में बहुत सेल होता है और उनकी पोजीशनिंग भी यही है कि इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे, तो इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग मतलब इम्यूनिटी बूस्टर से वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वो उसको प्रमोट करते हैं मार्केट में। डिक्रीज इन इन्फ्लामेशन, तो जो प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारी म्यूकस लेयर को, जो इंटेस्टाइनल लेयर है, इंटरनल लेयर है, उसको ये रिपेयर भी करते हैं, तो इसलिए इन्फ्लामेशन में भी इनका अच्छा रोल है। उसके बाद कोई फूड से एलर्जी है या प्रोटेक्शन, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस में बहुत अच्छा रोल है प्रोबायोटिक्स का, क्योंकि ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि लैक्टोज को एब्जॉर्ब करने में बॉडी में हेल्पफुल होता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में ये है बहुत अच्छा रोल है प्रोबायोटिक्स का। डाइजेशन हेल्थ में ऑब्वियस है, जब इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइन हेल्थ को मेंटेन करेंगे तो डाइजेशन की भी ये डाइजेशन में भी ये इनका जो है रोल रहता है। इम्प्रूव नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, तो ये देखा गया है, रिसर्च शोज दैट कि जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हैं वहाँ पे भी प्रोबायोटिक्स क्या हैं, हेल्पफुल करते हैं लीवर को रिपेयर करने में। अगर तो मैं प्रोबायोटिक्स की बात करूँ तो ये इतना बड़ा रिसर्च का आज के टाइम में टॉपिक है कि लोग जो साइंटिस्ट हैं या अच्छी अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नए नए प्रोबायोटिक्स पे रिसर्च कर रही हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स की रिसर्च आज के टाइम पे कैंसर हो गया या मेजर जितनी भी बड़ी बड़ी डिजीज़ है उन पे इनका रिसर्च चल रहा है और इनके जो हैं बेनिफिट्स भी निकल के आ रहे हैं, इसलिए ये एक बहुत हॉट टॉपिक है राइट नाउ इन द मार्केट, और इसका हमें बेनिफिट मार्केट से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, उसको हम बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करें मार्केट में तो हमें रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि कई सीरियस डिजीज इन इन्फेंट्स, इन्फेक्शंस हो गए या इन सब चीज़ों में भी प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल है। अभी मैंने बताया कि मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट या मेंटल हेल्थ में भी देखा गया है कि प्रोबायोटिक्स का रोल आता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को ये डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अगर जो मैं डायरिया की ही बात करता हूँ तो आज ये टाइम में बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ प्रोबायोटिक्स ही लिखते हैं डायरिया के केसेस में, मेजरली वो कोशिश करते हैं कि प्रोबायोटिक्स ही दिया जाए, एंटीबायोटिक को वो अवॉइड करते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस को वो रिड्यूस हो रहा है, तो प्रोबायोटिक्स की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस जो है डिक्रीज होते हैं। स्किन के अंदर प्रोबायोटिक्स बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं हमारे स्किन में, और हेल्दी स्किन हो गया या हेयर हो गए उनकी ग्रोथ में भी प्रोबायोटिक्स का रोल देखा गया है। ब्लड प्रेशर की अगर जो मैं बात करूं तो लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी इनका रोल है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को देखा गया है स्टडीज़ में कि कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत अच्छे से जो है कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। उसके बाद डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में भी जो है इनका
रूल देखा गया है कि कुछ जो है स्ट्रेन्स हैं प्रोबायोटिक्स के, जो कि इन जो है ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में और इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्पफुल हैं। तो प्रोबायोटिक्स के ये सिर्फ 10 जो हैं, 10-12 ही जो मैंने 8-9 ही जो हैं डाले हैं, लेकिन इनके बहुत ही वाइड यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में। अगर जो हम अब रेगुलरली इनकी नई नई स्टडीज इनकी आती जा रही हैं, इवन जो है विटामिन D3 के साथ भी इनका काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है। तो जो प्रोबायोटिक्स एक हॉट टॉपिक है राइट नाउ इन द मार्केट, तो अब देखते हैं कि इनका काम कैसे करते हैं, हाउ प्रोबायोटिक्स वर्क। तो ये देखिए, पहले क्या है, एक तो क्या करेंगे, हेल्पिंग इन डाइजेशन ऑफ फूड दैट अकर बॉडीज कैन नॉट ब्रेक डाउन एफिशिएंटली। तो क्या हुआ कि डाइजेशन की, इंटेस्टाइन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि हम डायरिया से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो एक तो जो है डाइजेशन में जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड में, इसका ये देखिए ब्रेक डाउन ऑफ फूड में इनका अच्छा रोल है। ये कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं बहुत एफिशिएंटली, जो बॉडी उनको नहीं कर पाती है। और उसके बाद अगर जो बात करें, हेल्प इन इंक्रीजिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म बाय एक्सट्रैक्टिंग मोर एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रेंट इन द फूड। तो ये क्या आएगा कि जो फूड में न्यूट्रेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में इनका बहुत अच्छा रोल है। ये फूड से न्यूट्रेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो जो फूड से जो न्यूट्रेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की जो पावर है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाएगी और हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स हो गए, विटामिन बी हो गए और विटामिन के की प्रोडक्शन में इनका रोल रहता है। ये जो है उसके साथ साथ एलिमिनेट टॉक्सिन्स, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में, जो भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको ये बॉडी से रिमूव आउट करते हैं और उनको बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल करते हैं। उसके बाद हेल्प टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ वॉल इंटीग्रिटी। तो मैं ये हमारी इंटेस्टाइनल वॉल है, इसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल है। तो ऐसे ये हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको ये प्रॉपर जो है नरिश करके रखते हैं। ऐसे वो माइक्रोबायोटा, इसी को बोला जाता है कि माइक्रोबायोटा को वो मेंटेन करते हैं कि जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, ये वो बॉडी को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अगर जो यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं तो क्या होगा, हमारी इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइनल की जो इनर लेन है वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी, विटामिन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा बॉडी का, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डायरिया हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है उस पर इम्पेक्ट आने लगेगा। इसलिए फिर इनको कंज्यूम किया जाता है प्रोबायोटिक्स के रूप में, ताकि ये ग्रो करें और जो ये जो सारा सिस्टम है वो उसको दोबारा मेंटेन करें, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करें और जो माइक्रोबायोटा है वो मेंटेन करें। तो यही है जो प्रोबायोटिक्स का। अब इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कैसे करते हैं। ये तो हमने जनरल पढ़ा कि वो करते क्या क्या हैं, अब बात करते हैं कि जब हार्मफुल बैक्टीरिया आता है हमारी बॉडी में तो ये कैसे उस पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब ये क्या है, ये प्रोबायोटिक है, ये यूजफुल बैक्टीरिया है और ये क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि अब दोनों बैक्टीरिया हैं, दोनों को फूड चाहिए ग्रो करने के लिए अपने आप को, जैसे मैंने बताया प्रीबायोटिक्स जैसे, तो दोनों को क्या चाहिए, फूड चाहिए। हार्मफुल बैक्टीरिया को भी फूड चाहिए होगा अपने अपनी कॉलोनीज को ग्रो करने के लिए, और यूजफुल बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स है उसको भी चाहिए होगा। तो ये क्या करते हैं, पहले तो उस फूड को, न्यूट्रिएंट को ये कंज्यूम करना शुरू करते हैं कि हम जो है, जैसे मान लीजिए कोई दो सेना लड़ रही है, एक के लिए खाना अवेलेबल है और अब जोन सा खाना उसको छीन के खाना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी सेना जो है ऑटोमेटिकली भूख से मरने लगेगी। तो सेम यहाँ पे यही कर रहा है, जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो हार्मफुल बैक्टीरिया से खाना छीन के खाना शुरू कर देता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने शुरू कर देता है। तो ऑटोमेटिकली मॉल न्यूट्रिशन या नरिशमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जब तक हार्मफुल और यूजफुल बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ अटैच नहीं होंगे,
तब तक वो अपने टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था शीशिया कोलाई आता है, वो विलाई के साथ अटैच करता है और अपने एंट्रोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये क्या करेगा, खुद अटैच हो जाता है विलाई के साथ ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया अटैच ना हो सके और टॉक्सिन्स रिलीज ना कर सके, तो ब्लॉक कर देता है एडहेसिव साइट्स को। जितनी भी साइट्स हैं जहाँ पे अटैच होना है वहाँ पे ये खुद अटैच हो जाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को अटैच होने से प्रिवेंट कर देता है। तीसरा तीसरा कैसे काम करेगा, इम्यून स्टिमुलेशन की मदद से। ये क्या करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा और इम्यूनिटी फिर क्या करेगी, उस हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देगी। होप आपको ये समझ आ रहा हो कि एक तो उसने खाना छीन के खा लिया हार्मफुल बैक्टीरिया का, दूसरा जहाँ पे अडेयर होना चाहिए जिस साइट पे अडेयर होना है वहां पे खुद अडेयर हो जाता है, खुद अटैच हो जाता है ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया अटैच ना हो और टॉक्सिन्स रिलीज ना हो। उसके बाद इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी स्टिमुलेंट करता है ताकि खुद तो किल कर ही रहा है, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होके उस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे। और चौथा है डायरेक्ट एंटागोनिज्म, तो मतलब बैक्टीरियोसिन, मतलब उस बैक्टीरिया के खिलाफ जो है हार्मफुल टॉक्सिन्स को ये रिलीज करता है ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो किल होना शुरू हो जाए। अब वो बैक्टीरियोसिन क्या क्या है वो देखते हैं। एक तो क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करेगा, पीएच को एसिडिक कर देगा, लोअर कर देगा इंटेस्टाइन में, और इनहिबिटिंग बैक्टीरियल विलेंस लाइक क्लोस्ट्रीडियम सेल्मोनेला जो हमने कल पढ़ी थी, इशिया कोलाई, इन सबको फिर वो मारने लगेगा। क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन का पीएच है वो बेसिक होता है, ये क्या करेंगे लैक्टिक एसिड को रिलीज करना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा वहां का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा जिसमें जो है हार्मफुल बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो मरना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए अभी हम एक कमरे में बंद है, वहां पे ऑक्सीजन की प्रॉपरली अभी तो प्रेजेंस है, तो अभी वहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट आउट करना शुरू कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को फिलअप करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा धीरे धीरे वो पूरा कमरा कार्बन डाइऑक्साइड से फुल अप हो जाएगा और जो उस कमरे में होगा उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और वो फाइनली मर जाएगा। तो सेम ऐसे ही हमारे प्रोबायोटिक्स करते हैं, वो हम पीएच को एसिडिक की तरफ ले जाते हैं और पूरा एनवायरनमेंट को जहरीला कर देते हैं ताकि वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो मरना शुरू हो जाए। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल स्पेशली कैल्शियम ड्यू टू इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एसिडिटी, तो क्या होगा कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को वो बढ़ा देते हैं ताकि जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होना शुरू हो जाए। उसके बाद प्रोड्यूस विटामिन स्पेशली विटामिन बी एंड विटामिन के, तो ये क्या करेंगे उन विटामिन को प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम कॉलोनाइजिंग द इंटेस्टाइन, तो क्या होगा उनको ग्रो करने से रोकेंगे, मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो अपनी कॉलोनीज को ग्रो ना कर पाए। वही मैंने रीजन बताया कि एक तो उनका नरिशमेंट को रोक लेंगे, उनको साइट पे अडहेयर नहीं होने देंगे, तो इस वजह से जो वो अपने आपको ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी डिजीज हुई डॉक्टर ने क्या किया एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया, एंटीबायोटिक दी, उसके बाद क्या हुआ डिस्टरबेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, तो क्या हुआ हमारे वहाँ पे जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो गए और हार्मफुल बैक्टीरिया भी किल हो गए, तो क्या हुआ जो माइक्रोबायोटा मेंटेन किया हुआ था वो क्या हो गया अब डिस्टर्ब हो गया और क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है टू प्रोड्यूस टॉक्सिन। तो वो जो क्लोस्ट्रीडियम हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि हार्मफुल और यूजफुल दोनों बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मेंटेन्ड होते हैं, लेकिन जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो ज़्यादा रहते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया कम रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब एंटीबायोटिक खाया तो दोनों की किलिंग शुरू हो गई, तो क्लोस्ट्रीडियम जो है वो ओवर ग्रोथ करता है और टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। अभी क्लोस्ट्रीडियम भी हो सकता है, ईशिया कोलाई भी हो सकता है, सेल्मोनेला भी हो सकता है, तो कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकता है, तो उससे क्या हुआ डायरिया हो गया। अब इसमें प्रोबायोटिक्स क्या करेंगे, डिजीज हुई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने, डिस्टर्बेंस हुई इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा में, क्लोस्ट्रीडियम की ओवर ग्रोथ हुई और प्रोड्यूस टॉक्सिन। अब इस टॉक्सिन्स को और इस बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक्स ने
क्या किया, टॉक्सिन्स को जो है नलीफाई कर दिया और इस क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर दिया। वही सब मैकेनिज्म के थ्रू उसका नरिशमेंट को छीन लिया, उसकी अटैचमेंट जो है विलाई पे वो ब्रेक डाउन कर दी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि क्लोस्ट्रीडियम को किल करना, जो हमारी इम्यूनिटी है क्लोस्ट्रीडियम को ब्रेक करना शुरू कर दे, एसिडिक कर दिया एनवायरनमेंट को ताकि क्लोस्ट्रीडियम मरना शुरू हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स को वो उसने करना शुरू कर दिया और अपनी कॉलोनीज को वो ग्रो करना शुरू कर दिया प्रोबायोटिकली, जिसकी वजह से क्या हो गया, माइक्रोबायोटा क्या हो गया, बैलेंस में आ गया। तो जो एनवायरनमेंट है, जो सिस्टम जो चल रहे थे सारे, वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो गए और जो है एनवायरनमेंट है वो नॉर्मल हो गया, तो माइक्रोबायोटा जो है बैलेंस में आ गया। तो ये है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। तो ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है एंट्रोफिट, वो क्या है, एक प्रोबायोटिक है। बैसिलस क्लॉजी जो है स्पीशीज हैं, प्रोबायोटिक्स की बहुत ही ज़्यादा स्पीशीज हैं, लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिन्स हैं, उसके बाद बैसिलस क्लॉजी है, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी है, और भी बहुत वेरियस जो हैं स्पीशीज, नई नई स्पीशीज का भी आजकल हमें पता लगता जा रहा है कि नई नई स्पीशीज हैं। और ये हमेशा अच्छी क्वांटिटीज में दिए जाते हैं, इनके जो स्पोर्स हैं जैसे हमारे में 2 बिलियंस हैं, ऐसे ही 6 बिलियन होते हैं, 6 बिलियंस का भी मैंने देखा है एक प्रोडक्ट मार्केट में। तो इनको जितना ज़्यादा दिया जाएगा उतना ज़्यादा ये ग्रो करेंगे और उतनी जल्दी जो है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल किया जाएगा ताकि माइक्रोबायोटा को बैलेंस किया जाए। तो ऐसे ही हमारा एंट्रोफिट काम करता है, जब भी किसी को माइक्रोबायोटा डिस्टर्बेंस, जिसको डिसबायसिस हम बोलते हैं, या फिर डायरिया होता है, या हम नॉर्मल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो पेडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं वो इसको बिना डायरिया के भी देते हैं कि उसका जो इम्यूनिटी पे ये इम्पैक्टली काम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो दिस इज़ द मेन मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोबायोटिक्स। ये अभी प्रोबायोटिक्स का जस्ट बेसिक ही है, बट इट इज़ मोर देन एफिशिएंट, सफिशिएंट फॉर यू ऑल गाइज। सो थैंक यू सो मच, होप आपको जो ये ट्यूटोरियल है अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।